हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। साथ ही मेरा छोटा सा इंट्रोडक्टरी बायो है और राइट नाउ जो है मैं पीएचडी कर रही हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, अर्ली बर्ड दिसंबर 2023 के लिए बिल्कुल रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं और ये सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए आएगा, 3 से 4 डेज के लिए जहां तक मेरा आइडिया है। तो आप प्लीज इसको अवेल कर सकते हैं बिल्कुल डिस्काउंटेड ऑफर में। आपको कोर्स मिल रहे हैं पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का, तो बिल्कुल पीछे मत हटिए। साथ ही आपको वीडियो कोर्स मिलेगा, इसमें पीडीएफ सारी अवेलेबल होंगी आपके पास, टेस्ट सीरीज आपके पास अवेलेबल होगी पेपर 1 की, और 2022 और 2023 के पीवाईक्यू तो डेफिनेटली अवेलेबल ही आपके पास बिल्कुल। इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो जेआरएफ अड्डा आपको प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही अगर मैं बात करूँ जो अपना पेपर 2 का जो अर्ली बर्ड का जो बैच है, बिल्कुल ये पहला ही बैच होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इस प्लेटफॉर्म पर, तो बिल्कुल ये आपके लिए एक बंपर अपॉर्चुनिटी है। मेरे साथ पहले से ही शुरुआत थी दौर से पढ़ने के लिए, आपका और मेरा दोनों का ही फर्स्ट बैच होगा जेआरएफ अड्डा पेड ऐप पर। पेपर 2 के लिए मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप सभी के लिए लेकर आ रही हूँ और इसका डिस्काउंटेड जो ऑफर है वो 6299 के लिए है। अगेन मैं बोल रही हूँ, ये 3 से 4 डेज ही अवेलेबल है आपके पास ये ऑफर, और बिल्कुल वीडियो कोर्स तो मिलेगा ही, इसमें आपको पीडीएफ भी मिलेंगे। पीवाईक्यूज तो आपको 2020, 2022 और ये 3 के तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारी चीजें जो है प्लेटफॉर्म पर कवर करवाऊंगी, बिल्कुल आप अपना ऑफर अवेल कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी जो है हम डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस को, तो बिल्कुल एक तरीके से मैं बताऊं, यूट्यूब पर मैं फ्री में आपको रोज शाम 6 बजे जो है पढ़ाती हूँ। बिल्कुल इस चीज को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, यूट्यूब पे जो हमारे सेशन होते हैं वो हर शाम जो है 6 बजे फ्री में बिल्कुल मैं आपके लिए सेशन लेकर आती हूँ यूट्यूब पर, जहां पर हम अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल जो लोग जीरो से शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल है, ताकि वो लोग स्क्रैच से ही यानी स्टार्टिंग से ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस को पहले समझे, किस तरीके से सिलेबस डिकोड होता है उसको ध्यान रखते हुए बिल्कुल आगे बढ़े। साथ ही मैं आपको बता दूं, फ्री में जो जेआरएफ अड्डा है वो आपको डेली क्विजेस प्रोवाइड कर रहा है एप्लीकेशन पर, यूट्यूब के क्लासेस के पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहा है एप्लीकेशन पर, काउंसलिंग के सेशंस भी आपके पास अवेलेबल है। और अगर मैं बात करूँ, अगर आपको कोर्सेज के रिगार्डिंग और जानकारी चाहिए, यानी कि जो भी आपको क्वेरी है, साथ ही मैं आपको बता दूं जो भी आपको लगता है कि आपको ये वाली जानकारियां डिस्कस करना चाहिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन से, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर फोन नंबर गिवन है, तो आप बिल्कुल इस पर कॉल मिलाकर अपनी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए मैंने यहाँ पे आपको मेंशन भी करा है कि 6 PM जो है यूट्यूब के फ्री सेशन होते हैं, जिसमें हम अभी फिलहाल जो है वो सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे आपको पता है कि रिजल्ट आ ही चुका है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो जेआरएफ का कट ऑफ गया है वो 202 गया है, यानी 101 क्वेश्चन के अराउंड जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ। वहीं अगर नेट की बात करूँ तो 182 का जो है आपका स्कोर है वो टारगेट गया नेट कैटेगरी जनरल से अगर मैं बात करूँ तो। साथ ही मैं ये बार बार बात बोल रही हूँ कि सिलेबस हमें जानना जरूरी है, सिलेबस हमें बिल्कुल पहचानना जरूरी है, तो इसको जो है नोट में रखते हुए हम बिल्कुल अभी यूट्यूब पर हमने फ्री में सेशन जो है शुरू किया हुआ है, जिसको मैं टारगेट सीरीज के नाम से मैंने इसको मेंशन किया है, जहां पर हम बिल्कुल दिसंबर 2023 को टारगेट करते हुए सिलेबस को डिकोड करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से हमें एरिया कवर करने हैं जो सिलेबस में डिकोड एरियाज हैं उनके बारे में, साथ ही किस तरीके से हमें क्वेश्चन अप्रोच करने हैं, ये सभी मैं उन सेशन में बात कर रही हूँ। तो बिल्कुल डेली लाइव सेशन है वो अवेलेबल है। कोर्सेज जो है वो बहुत जल्द 1 अगस्त से पेड ऐप पर आपको कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, तो बिल्कुल पीछे मत हटिए। अब तैयारी जीत की बड़े जोर से शुरू हुई है, तो बिल्कुल आप इस जो मैंने आपको अभी अर्ली बर्ड बैचेस के बारे में बताया, बिल्कुल आप अवेल कर सकते हैं इस ऑफर को। और शुरू करते हैं हम आज का सेशन। तो चलिए हम बात करते हैं, आज का जो मेरा सेशन है बिल्कुल फ्री सेशन है, यानी कि आपको इस बारे में बताने के लिए जो सेशन है कि जो टारगेट है अपना यूजीसी नेट दिसंबर का वो क्या है, किस तरीके से हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए बिल्कुल इस न्यू अटेम्प्ट के लिए। मैं दोनों ही संदर्भ में बात करूंगी, जो लोग बिल्कुल जीरो से यानी फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट देंगे उनके तरफ से भी, साथ ही नेट जेआरएफ का जो सफर तय कर रहे हैं, यानी कि जिन लोगों का एक अटेम्प्ट हो गया है और
नेट नहीं हुआ या फिर नेट हो गया और JRF की तरफ बढ़ना है उनको, उनकी तरफ से भी बिल्कुल बात करूंगी मैं इस सेशन में। तो ये मेरे बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक रहेंगे आज के सेशन के। साथ ही मैं बता दूं क्या स्ट्रैटेजी, किस तरीके से हमें अपनी इस जो 3 से 4 महीने का अंदर जो है, यानी कि अपना है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में तो आपको एग्जाम हो ही जाएगा, तो इस महीने की हमें स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है, बिल्कुल मैं उसके बारे में बात करूंगी। सबसे पहले जो मैं बात करना चाह रही हूँ वो गोल की। अगर आपके दिमाग में आपका गोल फिक्स है कि भाई मेरे को इतने महीने में जो है एग्जाम क्वालिफाई करना है, ये मेरा टारगेट है, इसके बाद मुझे PhD परस्यू करनी है या फिर जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, वो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट है, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी बात है। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपने टारगेट फिक्स नहीं रहते, यानी कि उनके दिमाग में होता है कि ठीक है एक एग्जाम निकालना, उसके बाद देखते हैं आगे, तो भी मायूस मत हो बिल्कुल। आप पहले एक चीज ढंग से करिए, उसके बाद आगे देखते हैं कि आपके लिए क्या लाइफ जो है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। ऐसा नहीं है सब कुछ हर किसी की लाइफ में प्लान्ड होता है, क्या पता आपको तकदीर इस एकेडमिक स्ट्रीम की तरफ ले आई, आपका इंटरेस्ट कहीं और था। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट कहीं और था, बट मेरी किस्मत या फिर मेरी लाइफ मुझे है एकेडमिक्स की तरफ ऐसे ले आई कि फिर मैं इस फील्ड में आके बढ़ती चली गई। मैंने 2020 में मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई थी, उसके बाद 2021 में मैंने UGC नेट निकाला, फिर 2022 में मैंने जो है वो जामिया का PhD एग्जाम निकाल दिया। तो सिमिलरली ऐसे मैंने सिर्फ जामिया ही नहीं, काफी यूनिवर्सिटी के PhD एग्जाम निकाल दिया। 2023 में मैं PhD परस्यू कर रही हूँ अपनी। तो सिमिलर है कि मतलब मेरे को यहाँ प्रोडक्टिविटी देखने को मिल गई है, समझ रहे हैं आप बात को? तो यही बात है, जहां मुझे प्रोडक्टिविटी बिल्कुल देखने को मिली है मैं उसी तरफ बढ़ती चली गई। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। देखो सिंपल सी चीज है, मायूस होने की कोई बात नहीं है। UGC नेट का जो है वो रिजल्ट आ चुका है, 202 हमारा स्कोर गया है, और ये तो बहुत ही मिनिमल स्कोर है, मैं सही बता रही हूँ, इससे ज्यादा कट ऑफ जाती है। यानी कि अगर मैं बोलूँ लमसम 215 के अराउंड जो है अपनी कट ऑफ, अब तो मान के चल लीजिए, क्योंकि पेपर काफी डायनेमिक आ रहा है। डायनेमिक से मेरा बहुत ही वास्ट, बहुत ही वाइड तरीके से पेपर आ रहा है, तो आपको डिकोड करना बहुत जरूरी रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको 100 में से 100 मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है, नहीं, लेकिन 100 में से कम हाईएस्ट तो लेकर आने ही होंगे ना, समझ रहे हैं? अगर हमारा 300 का पेपर है तो ऐसा नहीं कि हमें 300 में से 300 लेकर आने हैं, नहीं, लेकिन कम से कम 300 में तो हाईएस्ट तो लेकर आए हमें, ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। और ये कट ऑफ जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ। तो इस चीज को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं इस चीज के ऊपर कि किस तरीके से हमें अपनी प्लानिंग रखनी होगी, किस तरीके से हमें समझना होगा। देखो कोई भी एग्जाम शुरू करने से पहले ना, कोई भी पेपर के बारे में शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। ये सबसे पहली चीज तो यही होती है कि सबसे पहले तो अपना सिलेबस आप जानिए। तो अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, तो देखो फिलहाल आपकी फ्री में जो है डिकोड टारगेट सीरीज, डिकोड सिलेबस सीरीज जो मैंने चलाई हुई है यूट्यूब पर, आप बिल्कुल उसको देख सकते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए किस तरीके से सिलेबस जो है पूछा जाता है UGC नेट के अंदर, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस एरिया की ज्यादा वेटेज रहती है, किस तरीके से हमको क्वेश्चन के आंसर डिकोड करने हैं, बिल्कुल मैं इन सेशन में बात कर रही हूँ। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चों के लिए बिल्कुल एक बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो लोग आकर बिल्कुल अपना इस चीज का जायजा उठा सकते हैं, अपने जो है सेशन के बिल्कुल मजे कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आपके लिए अवेलेबल है। 6 PM बिल्कुल मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, 6 PM जो है हर शाम हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम करते हैं यूट्यूब चैनल पर JRF अड्डा के। तो ये चीज तो आप अपने दिमाग में सबसे पहले तो बिठा के रखिए। साथ ही अगर मैं बात करूँ तो देखो सिलेबस अपना डन है, हमने सिलेबस जैसे कि डिकोड कर लिया। अब मैं 1 अगस्त से जो है वो कोर्स लेकर आ रही हूँ आपके लिए JRF अड्डा पर, जिसमें हम कोर्सेज पूरा का पूरा कोर्स कवर करेंगे, साथ ही किस तरीके से क्वेश्चन की एप्लीकेबिलिटी होती है वो देखेंगे, हम इसमें क्वेश्चंस को डिकोड करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। तो देखो सिलेबस आपका डिकोड हो गया, फिर आपने सिलेबस कंप्लीट करना शुरू करा, टारगेट यही रखना है कि 3 से मैक्स टू मैक्स 3 महीने तक आपका सिलेबस जो है आप एक बार तो पढ़ ही लें, जो स्पेशली जीरो, यानी कि जो बिल्कुल जीरो से शुरू करें, जो फर्स्ट टाइम नेट देने जा रहे हैं, ठीक है, थीके? मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप बिल्कुल फ्री हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके आपकी इंटेलिजेंस कहीं नहीं है, तो आप रिवीजन और रीड, ये चीज अपने पैटर्न रिपीट, इसको मैं बोलूंगी रीड रिवीजन रिपीट, बिल्कुल ये जो आपका सर्कुलर मोशन में चलना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप सिलेबस रीड कर रहे हैं, अगर आज एक यूनिट खत्म कर लिया, 2 दिन टारगेट लेके चल रहे हैं, 2 से 3 दिन में आपने एक यूनिट खत्म कर ली, तो उसको उसके नेक्स्ट डे रिविजन जरूर कर लें, ठीक है। तो ये चेन होती है 3 दिन की, कि 2 दिन एक यूनिट को, फिर उसका रिवीजन, फिर 2 दिन एक यूनिट को, फिर उसका रिवीजन, फिर आप संडे में अपने जितनी भी आपने वीकली यूनिट कंप्लीट करी, आप बिल्कुल संडे में अपना वीकली रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। संडे में आप अपना वीकली रिवीजन कर सकते हैं कि हाँ इस हफ्ते हफ्ते आपकी कितनी प्रोडक्टिविटी रही है,
तो बिल्कुल इस तरीके से ही हमको अपनी शुरुआत करनी है, ऐसे ही शुरुआत करनी है, देखना है कि सब्जेक्ट कितना समझ में आ रहा है, कितना हमारे पल्ले पड़ रहा है, बिल्कुल उस तरीके से हम अपनी चीज को शुरुआत करेंगे। देखिए मैं फिर मेंशन कर रही हूँ, रीड रिवीजन रिपीट, ये आपका मंत्र हो जाना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपने अपना सिलेबस जो है बिल्कुल कर लिया, साथ में कोर्स आप पढ़ रहे हैं, कोर्स के बाद आप 1-2 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, फिर आपने रिवीजन ले लिया, फिर आपने दूसरा यूनिट शुरू करा, फिर आपने रिवीजन ले लिया, बिल्कुल इसी पैटर्न से आपको चलना होगा। साथ ही अगर मैं बात करूं, देखो कितना टाइम देना होगा, तो टाइम कोई फिक्स नहीं है, स्पेशली मैं 0 वाले बच्चों के लिए कर रही हूँ, 0 वाले बच्चे मतलब वो 0 नहीं है, उनकी वैल्यू इस तरीके से कि वो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, उनके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगी। देखो टाइम की कोई कीमत नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा सब्जेक्ट को, क्योंकि आप पहली बार शुरू कर रहे हो, आपका पहला अटेम्प्ट होगा ये, समझ रहे हो, स्पेशली वो बच्चे जिनका पहला ही अटेम्प्ट होगा, जिनको आइडिया नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, अपन JRF तो क्रैक करके ही रहेंगे। तो आप टाइम की सीमा मत देखो, अगर आपको घर में काम है अपने काम वाम निपटा के बैठ जाओ, अगर 4 घंटे भी आप अपनी यूनिट को दे देते हो ना, इनफ है, बिल्कुल इनफ है। लेकिन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मतलब तरीके से बैठो भाई पढ़ने के लिए, ये नहीं कि अपना फोन भी साथ चल रहा है, इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन भी चल रहे हैं, फिर यूट्यूब पे रील्स भी चल रही है, इंस्टाग्राम पे रील्स चल रही है, नहीं, ये शॉर्ट्स वॉर्ट्स अपने हटा दो। और देखो कुछ बच्चे होते हैं जो मल्टीटास्कर होते हैं, ठीक है, मैं बताती हूँ आपको एक बात, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई उनका यूट्यूब भी चलता है, उनका इंस्टा भी चलता है, उनका फेसबुक भी चलेगा, उनकी मस्त नेटफ्लिक्स भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, और फिर भी वो पढ़ पा रहे हैं, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं। मैं नहीं थी उनमें से, मैंने 1-1.5 साल तक बिल्कुल ब्रेक ले लिया था हर सोशल मीडिया साइट से, सिर्फ टेलीग्राम था, क्योंकि टेलीग्राम में टीचर्स के नोटिफिकेशन आते थे, जैसे अगर हमारा JRF अड्डा का चैनल है तो हम JRF अड्डा के नोटिफिकेशन जो आपको टेलीग्राम पे भेजते हैं, क्विजेस भी अपडेट करते रहते हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन भी उसमें अपडेट करते रहते हैं, करंट अफेयर्स भी अपडेट करते रहते हैं, तो बिल्कुल एक टेलीग्राम जरूर था मेरे पास, जिसको मैंने अपना बना के रखा, जिसमें मेरी हर दिन की इन्फॉर्मेशन आती थी, तो वही मैं आपको बताऊं, तो उसी पैटर्न से चलना होगा, समझ रहे हैं आप बात को। लेकिन अगर जो मल्टीटास्कर है, देखो आपको आपका अपना पता है, हर एक इंसान को अपना पता रहता है, भाई मेरा तो दिमाग बहुत खराब होता था, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, इंस्टाग्राम पे कुछ चल रहा है, व्हाट्सएप पे कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, यूट्यूब पे कुछ हो रहा है, ओ भाई मेरे को बड़ी आग लगती थी देखने की। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी हो, अगर आपके साथ भी होता तो बिल्कुल भाई बंद कर दो, क्योंकि देखो अपने को एग्जाम क्वालिफाई करना है भाई, तभी पूछ होगी, ठीक है। जो लोग एज के मात खाए हुए, जिनको लगता है कि एग्जाम देना है, इस एग्जाम में अभी मेरी एलिजिबिलिटी है, मैं एग्जाम दे सकता हूँ, मेरे पास आगे ऑप्शन खुल जाएंगे, बिल्कुल खुल जाएंगे, आप ये एग्जाम को अप्रोच कर सकते हैं। जिनका टारगेट ही टीचिंग या प्रोफेसरशिप में जाने का, लेक्चरशिप में जाने का, बिल्कुल आप अप्रोच कर सकते हैं इस जो लाइन को, क्योंकि देखो अकेडमिक्स अगर आपकी चल रही है ना बढ़िया, तो एक बार सेटल हो गए ना, फिर दुनिया आपको पूछेगी, जिनके पीछे आप अभी भाग रहे हैं ना, वो आपके पीछे भागेंगे। तो बिल्कुल इस चीज के लिए तो इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि भाई अगर मैंने उन इंसान को या उस अपने फ्रेंड सर्कल को टाइम नहीं दिया तो कल को वो मुझे टाइम नहीं देंगे, कल को बिल्कुल टाइम देंगे जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, बिल्कुल दुनिया पूछने आएंगे आपको, दुनिया क्या, जो रिश्तेदार अभी आपको मॉक कर रहे हैं ना कि भाई कुछ हुआ कि नहीं हुआ, लड़की की शादी करा दो, या तो कुछ अगर नहीं हो रहा तो लड़के की शादी करा दो, लड़कों को किसी फैक्ट्री में लगवा दो या कॉल सेंटर में नौकरी करवा लो कि बंदा कुछ कर ले, वो भी आपको आके पूछेंगे कि अच्छा भाई तूने निकाल लिया एग्जाम, यकीन नहीं हो रहा कैसे कर लिया। मैं आपको मजे की एक बात बताऊं, मेरा एवरेज, मैं बिलो एवरेज थी पढ़ाई लिखाई में, 10वीं जब मेरी पास हुई थी ना, तो मेरे माँ बाप ने बोले थे पास कैसे हो गई, हमें तो यकीन नहीं है पास कैसे हो गई, और आज देख लो मैं PhD कर रही हूँ, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो वन ऑफ दी हायर एजुकेशन का, हायर जिसको हम मेजरमेंट बोलते हैं ना, यानी कि ग्रेजुएशन हो गई हायर एजुकेशन में, अपना मास्टर्स हो गई, MPhil PhD है ना, ये जो है अकेडमिक्स में हूं मैं खुद नहीं सोच सकती मैं अकेडमिक्स में कैसे आ गई और आज आपको पढ़ा रही हूँ। तो ये जर्नी ही है, जो आपको लगता है ना कि कोई सोचेगा नहीं सोचेगा, कोई होगा हमारे लिए, भाई कोई नहीं होगा कोई, क्योंकि देखो दुनिया की सच्चाई तो ये ना, कोई किसी के लिए होता ही नहीं है, कोई नहीं होता, इंसान को अपने आप खड़ा होना पड़ता है, अपने माँ बाप अपने सपोर्ट में, ठीक है, जब तक कि इस घर में कलेश ना हो, जब तक कि आप उनको पढ़ते दिख रहे ना, वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब आप उनको खाली दिख रहे हैं तो ऑफकोर्स, देखो 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट, अगर आप सिर्फ अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दे जा रहे हो और आपको रिजल्ट कुछ नहीं बोल रहा, तब माँ बाप का बोलना शुरू होता है कि भाई कुछ कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि ऑब्वियसली या तो आपकी स्ट्रैटेजी गलत है, या आपका तरीका जो भी सिस्टम है वो गलत है, या फिर आप पढ़ ही नहीं रहे हो, सिर्फ दिखावा कर रहे हो,
क्योंकि भाई अगर कोई इंसान मेहनत से कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है ना, तो उसका आउटकम तो जरूर आना है। ऐसा तो है नहीं कि भगवान भी उसको नहीं देगा या फिर आपकी मेहनत ही आपको रिजल्ट नहीं देगी। समझ रहे हैं ना बात को? तो वही है कि अगर आपकी तैयारी तरीके से चल रही है, आप अटेम्प्ट अच्छे से देकर आ रहे हैं, आपका रिवीजन बिल्कुल अच्छा हो रहा है, आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि आपका एग्जाम निकलेगा, तो ये जो है ना अटकलें आपकी लाइफ की, आपके दोस्त जो आपको इस वक्त अगर सिर्फ इंपॉर्टेंस उसी वक्त देते जब आपका कुछ दिन होता है, बर्थडे होता है, या कोई भी हो आपकी लाइफ में भाई, आपके अट्रैक्शंस भी होंगे, आपके इन्फैचुएशंस भी होंगे, जब आप पेपर क्लियर कर लेंगे ना, आपको इंपॉर्टेंस तगड़ी मिलेगी। समझ रहे हैं? तो चाहे अगर मैं बोलूँ 6 महीने, 1 साल का समय, एक बार एक डोमेन को देकर देखिए, फिर देखिए रिजल्ट क्या रहता है। मजाक नहीं कर रही मैं, फिर जो रिजल्ट रहेगा ना, उस रिजल्ट को दुनिया देखेगी। इसी तरीके से, इसी अप्रोच से हमें शुरू करना है अपना। मैं बार बार बोल रही हूँ, सिलेबस डिकोड करेंगे सबसे पहले। इसी क्लासेस जो है वो यूट्यूब पे चल रही है, बहुत अच्छा मौका है जो लोग बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। और मैं तो नेट वालों को भी बोलूंगी जिनको ऑलरेडी नेट क्वालिफाई और जेआरएफ को टारगेट कर गए, करना चाह रहे हैं वो, इस बार देखो एक बार देकर ना निकाल लो। नेट 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 मत करो, ये चक्का नहीं चलना चाहिए, एक बार देके खत्म करो। ठीक है, मेरे को बोलने में कोई संकोच नहीं है, मेरे भी नेट क्लियर हुए हैं बहुत बार। ठीक है, मेरे को बोलने में कोई बुराई नहीं है। वो स्ट्रैटेजी इसलिए जो शायद मेरे से कमी रह गई हो, वो मैं आज आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ये चेन मत बांधो। आप भी नेट वाले जिनका ऑलरेडी नेट क्वालिफाई है, प्लीज एक बार दोबारा जाके सिलेबस देखो, समझो सिलेबस को, कि क्या पता कोई गलती रह गई हो, कोई चूक रह गई हो, जो चीज नहीं कर पाए हो वो चीज इस तरीके से करनी है। क्योंकि आजकल जो है करंट अफेयर्स से भी बहुत सारी न्यूज पूछी जा रही है, मैं वो सब जेआरएफ अड्डा के पेड कोर्स में बिल्कुल आपको सब कुछ कवर कराऊंगी, ताकि कोई चूक ना रह जाए, है ना। तो सिलेबस तो बिल्कुल देखिए, उसके बाद हम कोर्स शुरू करेंगे। फुल टाइम जो कोर्स अपना आएगा, इसके टाइमिंग्स मैं आपको जल्दी बताऊंगी। एक चीज और, मैं आपको 2 महीने के अंदर अंदर, या मैक्स टू मैक्स, हाँ 2 महीने मैक्स टू मैक्स, आपको हैंडबुक प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें आपको 3-4 बुक्स को फिर रेफर नहीं करना पड़ेगा, सारा मटेरियल आपके पास इसी हैंडबुक में होगा। समझ लो कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भाई एक बुक ले ली, फिर एक और बुक लेनी पड़ रही है, एक यूनिट के लिए फिर एक और बुक लेनी पड़ रही है, एक यूनिट के लिए फिर एक और बुक लेनी पड़ रही है, पीवाईक्यू के लिए फिर एक और बुक लेनी पड़ रही है। मैक्स टू मैक्स पीवाईक्यू भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी जेआरएफ अड्डा पेड ऐप पर जो है हमारे, क्योंकि क्वेश्चंस और एप्लीकेशन सेशन जरूर रहेंगे उसमें। लेकिन बुक्स का झमेला आपको ना इस हैंडबुक में जो है वो मिल जाएगा, तो बिल्कुल 2-3 महीने के बाद अपनी हैंडबुक भी आप अवेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हैंडबुक के समेत आपको बढ़िया जो है ये कोर्स मिल रहा है, इसके डिस्काउंटेड ऑफर भी चल रहे हैं अभी, तो बिल्कुल इन डिस्काउंट ऑफर को आप अवेल कर सकते हैं। शुरू से पढ़ोगे ना तो ही मजा आएगा, ये बात तो, और प्रमोशन की बात नहीं है भाई, मैं सिंपल बोलती हूँ, मार्केट बहुत बड़ा है, जहां से मन करता है वहां से पढ़ के आओ, रिजल्ट देखो फिर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं वही चीज आपको प्रोवाइड कर रही हूँ जो आपको जरूरत है, जो आपको ऑथेंटिकेट है, चाहिए आपको, और मेरी पढ़ी हुई है भाई, मेरी बनाई हुई चीजें हैं, मैंने खुद उनसे पढ़ा है, तभी तो आपको दे रही हूँ, रिजल्ट है ना उसका। समझ रहे बात को? रिजल्ट है ना उसका, तो बिल्कुल वही चीज मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। यही ऑथेंटिसिटी होती है कि भाई जो मैंने पढ़ा है ना वो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आपका कैसे नहीं होगा एग्जाम जब मेरा हो रहा है तो। ठीक है, तो कोई झमेला नहीं है, अपना पूरा सिस्टम क्लियर है। साथ ही देखो सिलेबस हो गया अपना, आपने कोर्स टाइमली शुरू कर लिया, क्योंकि टाइम होता है ना, अगर आप सोचो कि भाई 1 महीने पहले मैं जेआरएफ के एग्जाम से 1 महीने पहले कोर्स शुरू करूंगा और मेरा रिजल्ट आ जाएगा, नहीं आएगा। हर चीज का प्रोसेस होता है। खिचड़ी बनाते हो या कुछ भी, दाल चावल कोई भी कुछ बनाता है, तो पहले दाल भिगोते हो, है ना, फिर उसको उबालने के लिए रखते हो, फिर छोक मारते हो मस्त, प्याज टमाटर हींग का तड़का जो लगाते हो उसमें अपनी दाल में, वो प्रोसेस है ना, पूरी जर्नी है ना, तब जाकर आधे घंटे बाद वो दाल बनती है या 15-20 मिनट बाद वो दाल बनती है, सीटी वीटी आती है बढ़िया। तो बस समझ लो वही कुकर हो आप, सिलेबस आ गया उसके अंदर, कोर्स आ गए उसके अंदर, रिविजन हो गई उसके अंदर, तभी तो आपकी रेसिपी पकेगी एग्जाम के लिए। तो उसी तरीके से चलना है, सिलेबस हो गया, कोर्स कंप्लीट हो गया, फिर बात आती है रिवीजन की। रिवीजन जितना करो ना यार उतना कम है, सिंपल बोलती हूँ, जितनी रिवीजन करोगे ना उतना कम है। रिवीजन तो मस्ट रखो, कुछ नहीं कर रहे, सोच रहे आज कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो उठाकर रिवीजन ही कर लो। मॉर्निंग देखो, मेरे को मॉर्निंग में पढ़ना पसंद था, ठीक है, मैं अगर आज रात तक मैंने कोई काम कंप्लीट करा, मैं अगले दिन उसको सुबह मॉर्निंग उठ के रिविजन करती थी, मस्त लगता था यार। मॉर्निंग में दुनिया शांत बैठी रहती थी, घर के सब सो रहे होते थे, कोई काम धाम है नहीं, नहा धो के अपना सुबह सुबह, सर्दियों के टाइम पे भी सुबह सुबह नहा धो के बैठ जाती थी फटाफट, क्योंकि गर्म पानी तो आता ही है ना, नहीं भी आता तो कर लो गर्म पानी फटाफट करके, अपना नहा धो के बैठो भाई। जो सुबह के 3 से 4 घंटे, मतलब अगर 5 बजे भी उठ रहे हो, या 3, देखो मैं उठती थी 3 बजे,
मैं क्योंकि वीक थी ना, ज्यादा पढ़ना होता था। आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे। अगर 5 बजे भी उठ रहे हो ना, 9 बजे तक भी टाइम दे दिया अपना, एक चाय के कप के साथ बैठ गए, ब्रेकफास्ट कर लो, 9 बजे उठ के, कोई दिक्कत नहीं। भूख लगे तो 2 बिस्किट लेके बैठ जाओ। ये जो टाइम है ना, ये इतना प्रोडक्टिव टाइम होगा ना रिविजन के लिए, भाई साहब आपको समझ में नहीं आएगा। आपने 1 2 3 3 यूनिट डालोगे अगर आपकी यूनिट कंप्लीट है तो, फटाफट, क्योंकि रीडिंग तो आपने मारी रखी है उसकी, समझ तो आपने रखा ही है उसको, बस रिविजन ही तो कर रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट थे। आप हो गया, मैम ने बहुत सही तरीका बताया ये तो। जिनको रात में पढ़ना पसंद है वो भाई अपनी सुबह, मतलब सुबह का टाइम पूरा मेंटेन करके, जैसे मान लो कि आपने अपनी पढ़ाई कंक्लूड कर ली, मैक्स टू मैक्स जो है 8 9 10 बजे तक अपनी पढ़ाई कंक्लूड कर ली, ठीक है, 10 बजे तक। जनरली दुनिया दिल्ली जैसे शहर में दुनिया तो पूरी रात जगती रहती है, लेकिन जनरली दुनिया मैक्सिमम 11:30 तक सो जाती है। 10 बजे तक आपने कंप्लीट कर लिया अपनी जो भी आपको दिन भर में पढ़ना था। 1 1.5 घंटा अपना थोड़ा वॉक ले लो, या थोड़ा है ना गाने वाने सुन लो, मूड सही कर लो, फिर बैठो 12 बजे से पढ़ना या फिर 11:30 बजे से पढ़ना। भाई 3 घंटे लगा लो इसमें, ठीक है, कोई नहीं जगता, कोई डिस्टर्ब नहीं करता इस टाइम पे, सब चित्त हो जाते हैं। 3 घंटे, 12 से 3 का जो समय है ना अपना, पढ़ाई को दे दो। रिवीजन करने के बाद धड़ल्ले से सो सुबह अपने 6 घंटे की, तो मैक्स मैक्स टू मैक्स इंसान को नींद चाहिए होती, चलो 8 घंटे भी ले लो, कुंभकर्ण वो तो बिल्कुल ही, सुबह तक सो अपने, फिर दोबारा सेम रूटीन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर पढ़ाई करनी पड़ेगी भाई। कोई सोच रहे हो कि कोई और आके मेरे लिए पढ़ जाए, या कोई और आके मेरे लिए है ना सब, देखो शरीर को कष्ट नहीं दोगे, सुबह जल्दी नहीं उठोगे, या रात को अपनी रिवीजन करने नहीं बैठोगे, चीजें त्यागोगे नहीं ना, तो इस प्रोसेस का मजा नहीं आएगा। जब ये चीज अचीव हो जाएगी ना, आपका नेट GRF निकलेगा ना, मैं आपका इंटरव्यू लूंगी ना कल को, कि बताइए आपका कैसे कंप्लीट हुआ, कैसे आप पहुंचे। GRF अड्डा की टीम आपका इंटरव्यू लेगी ना जब, तो आप यही सब टाइम बताओगे कि मैम आपने कहा था ना, ये मैंने फॉलो किया। बड़ा दुख हुआ था उस टाइम पे, सर्दी के दिन में फटाफट सुबह सुबह उठ के नहा धो के पढ़ने बैठना, बड़ी ठंड लगती थी, लेकिन मैम रजाई में घुस के स्टडी टेबल पे बैठ के ना पढ़ता था। मैं ऊपर से शॉल डाल लेता था स्टडी टेबल के ऊपर, पैर बिल्कुल सॉक्स वॉक्स में ढक के मैम मैं पढ़ता था, लेकिन वो सुबह वाले घंटे में देता था, या वो रात वाले घंटे में, मैं जरूर आपकी तरह, आपने जो बताया था बिल्कुल पढ़ाई में उतने घंटे देता था। दुख लगता था, कष्ट होता था, लेकिन मैं टाइम जरूर देता था अपनी रिवीजन को। ये मैं बिल्कुल, मैंने पैटर्न बना लिया था कि बिल्कुल मेरे को रिवीजन करनी है, मेरे को रीड करना है, मेरे को रिवाइज करना है, मेरे को यही प्रोसेस रिपीट करना है। और ये जो मजा है ना इस पढ़ाई में, ये मैम आपने बात सही कही थी, तो यही बात मैं बोलूंगी। देखो सिलेबस डन है, कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया है ना। सिलेबस कहाँ से पढ़ेंगे, यूट्यूब में मैं 6 बजे रोज आपको सिलेबस डिकोड करना सिखा रही हूँ। कोर्स कहाँ से करेंगे, पेड ऐप पर GRF। देखो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि GRF अड्डा का ना ये रूल है कि आप पेड कर दो एक बार, ठीक है, आपने पे कर दिया, आपका फिर जब तक GRF नहीं निकलता ना, तब तक वो आपकी पेमेंट हो ही रखी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, मैं तो सच में बोल रही हूँ, भगवान ना करे ऐसा हो, पर ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसी तरीके से इसको इसको सोच के चलो कि भाई एक टाइम इन्वेस्टमेंट है, इतने पैसे दे दूंगा, मेरे पास सारा मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा, सारे में क्लासेस लगा लूंगा, सारा में ढंग से पढ़ लूंगा। तो इसी तरीके से चलना है। 6 PM का अपना यूट्यूब पे सिलेबस की बात हो ही रही है, पेड ऐप पर अपना कोर्स शुरू हो जाएगा। क्या करना है, जो कोर्स में पढ़ोगे उसको रिवाइज करना है, थोड़ा बहुत खुद से भी पढ़ना है, क्योंकि भाई ये नहीं कि जो मैंने पढ़ा लिया उससे, नहीं, सेल्फ स्टडी, बिल्कुल अपना ज्ञान, सेल्फ स्टडी तो मैटर है, इसमें रिवीजन भी आ गया आपका, इसमें जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है वो भी। देखो जो मैं पढ़ रही हूँ वो तो मैं पढ़ ही रही हूँ, स्ट्रैटेजी कहाँ होती है कि जो मैम ने पढ़ा दिया वो तो पढ़ लिया, अलग से भी तो पढ़ू, बाकी बच्चों से भी तो आगे निकलना है। मेरे लिए तो देखो सब बराबर है, मैंने तो सबको इक्वली दे दिया जो भी देना था मेरे को, है ना, आपको अलग कैसे बनना है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने तो दे दिया, कट ऑफ रेस कौन करेगा, वो तो आप ही करोगे। आपको अलग कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कि PYQ में चलो ये डिकोड हो रही है, MCQ में मैम ने ये डिकोड करवाई, लेकिन मैम अगर बाई चांस उस पर बात नहीं कर रही है तो मैं अकेले में अपने कवर कर लूँ, ताकि भाई मैं तो कुछ एज रख लूँ बाकी बच्चों से, समझ रहे हो ना बात को, ये दिमाग की बात होती है। जो मैं पढ़ा रही हूँ वो तो सब पढ़ रहे हैं, जो मैं नहीं पढ़ा रही या फिर जो मैं इतना डेप्थ में कवर नहीं करवा रही, लेकिन आपको दिख रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा आएगा डेफिनेटली आएगा, वो तो आप ही कवर करेंगे। ये होती है एज मेकिंग, ये होती है बिल्कुल उस इंसान की खासियत कि हाँ भाई GRF तो मेरे हाथ है इस बार, समझ रहे हो बात को, ये अपना फंडा, इस तरीके की अप्रोच लेके चलनी है। सिलेबस डन, कोर्स डन, यहाँ पर रिवीजन भी डन,
और रिपीट वाला प्रोसेस जब तक एग्जाम ना आ जाए बिल्कुल करना, हमें भाई टक्कर पे जैसे बिल्कुल जेआरएफ की डेट आ गई है, एग्जाम की डेट आ गई है, तभी हम रिवीजन करेंगे, नहीं करेंगे, गलत स्ट्रैटेजी, गलत बात, नहीं करनी उस टाइम पे रिवीजन, कोई फायदा ही नहीं करने का, है ना, कोई फायदा नहीं करने का। तो देखो ये नॉन जो बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो ये डील डन है, ठीक है, कंसिस्टेंटली पढ़ोगे, और ये दोनों के लिए कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल जो नेट वाले भी जिनको ऑलरेडी क्लियर हो गया उनके लिए भी मैं बोलूंगी कंसिस्टेंटली पढ़ना ही पड़ेगा, समझ रहे हो बात को। एक क्लास मैंने और यूट्यूब पर आई थी अभी फ्री की, जिसमें था रिजल्ट आ गया अब क्या, उसमें मैंने मेंशन भी करी हुई है कि जिनका नेट क्वालिफाई हो गया सिलेबस को अनटच ना छोड़ें, सिलेबस को ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं है आपको, बिल्कुल रोज एक डेट अपनी सिलेबस के साथ फिक्स कर लीजिए कि भाई आज मुझे डेट लगा कर आनी है, आज मेरा सिलेबस के साथ लव टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड होगा, सब्जेक्ट के साथ आज मैं क्वालिटी टाइम दूंगा, समझ रहे हो बात को। तो इसको जो है हमको चेंज नहीं करना, ठीक है, हमको एक डाइनिंग टेबल पर या एक छोटी सी टेबल पर फूल लगाना है, कॉफी रखनी है दो, एक आपके लिए एक सब्जेक्ट के लिए, तो बिल्कुल उस टेबल पर एक आप साइड होंगे, एक साइड आपकी बुक होगी, बीच में गुलदस्ता रख लीजिए, दोनों डेट करिए, पढ़िए, सिलेबस को छोड़ दिया ना, सब्जेक्ट को छोड़ दिया ना, तो इंटरव्यू या कोई भी पीएचडी का इंटरव्यू भी अगर मैं बोलूं, या एपी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जामिनेशन रहते हैं उनके इंटरव्यू, या फिर उनका एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया आरपीएससी के फॉर्म निकले हुए थे अभी, है ना, अलग अलग स्टेट के जो स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए स्पेशली ये अप्रोच करना बहुत ही ईजी है, क्या पता आपका यूजीसी नेट के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाए, सरकारी नौकरी हाथ लग जाएगी, सोचो बहुत तगड़ी चीज है, अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से सब्जेक्ट को छोड़ दोगे ना तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, इसलिए सब्जेक्ट तो नेट वाले को स्पेशली मैं बोलूंगी सब्जेक्ट छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल पढ़ना है। तो ये कंसिस्टेंसी की बात तो दोनों के लिए है, जो बिल्कुल जीरो से फर्स्ट अटेम्प्ट की तरफ जा रहे हैं उनके लिए, और जिनका नेट क्वालिफाई हो गया और जेआरएफ को अप्रोच कर रहे हैं उनके लिए, तो कोई चीज नहीं छोड़नी। हम क्या करते हैं, जेआरएफ का जो है नोटिफिकेशन आ गया, अब डेट फाइनल होगी, उससे 1 महीना पहले हमने लगाना शुरू कर दिया, पेपर 1 हम तभी पढ़ रहे हैं जिनका नेट क्वालिफाई है उनकी बात कर रही हूँ मैं, और पेपर 2 भी अब हम तभी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज बिल्कुल खुले में बताना चाहूंगी, जो भी पेपर 1 है ना, पेपर 1 की तैयारी, जेआरएफ अड्डा मेरे को तो बेस्ट लगता है भाई, क्योंकि मेरा भी यहीं से क्लियर होकर निकली हूँ, मैं यहीं से पढ़ा है मैंने, मैं मजाक नहीं कर रही, ठीक है, तो मैं यहीं से क्लियर होकर निकली हूँ, बिल्कुल आप अपनी तैयारी यहाँ से शुरू कर सकते हैं, पेपर 1 मैंडेटरी है, स्कोर लाना है पेपर 1 में। चलो पेपर 2 तो मैं आपको करवा रही हूँ, पेपर 2 में मान लो सबके इक्वल मार्क्स भी आ गए, पेपर 1 में जो जो हाईएस्ट जिसके मार्क्स आएंगे ना वो जेआरएफ निकलवाएगा। तो पेपर 1 बिल्कुल शुरू हो रखा है, कॉम्बो ऑफर है आपके लिए, अप्लाई कर सकते हैं, उसको अवेल कर सकते हैं और तैयारी शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल हाई टाइम है, रोज फ्री में कंटेंट आ रहा है, रोज पेड में कंटेंट आ रहा है, पेड में और डेप्थ में आ रहा है, जो फ्री में नहीं पढ़ाया जा रहा वो भाई पेड में पढ़ाया जा रहा है, उस तरीके से अप्रोच करो, बिल्कुल पेपर 2 से नहीं होगा, पेपर 1 भी करना पड़ेगा, DI 10 नंबर, RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर, सीधे सीधे कम से कम भी, कम से कम भी मैं बताऊं आपको, अपने को जो सिलेबस है टारगेट रखना पड़ेगा अपना, कि कम से कम भी आप 35 to 40 या 45 भी अगर आपका लग जाए दाव, तो उतने क्वेश्चन पेपर 1 में आपको करेक्ट होने चाहिए, तब मजा आएगा पेपर रिजल्ट में जेआरएफ के। तो बिल्कुल ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, उस तरीके से पढ़िए जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, तभी निकलेगा, सोच लो थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, हो जाएगा। तो भाई मैं जैसे अभी बात करी थी नेट क्वालिफायर्स के लिए, 1 महीना पहले अगर डेट आई है, सपोज मान लो कि अगर पेपर की डेट निकाल दिया 30 अगस्त, तो हम क्या स्ट्रैटेजी कब से बनाएंगे, 1 अगस्त से बनाएंगे, 30 दिन का टाइम है, ऐसे ऐसे कर लूंगा मैं, 10 यूनिट है, 10 दिन, 1 यूनिट 1 दिन में खत्म कर लूंगा। अरे भाई जो यूनिट खत्म आपने एक टाइम पर करी थी 3 से 4 दिन में, वो यूनिट आप 1 दिन में कैसे खत्म कर रहे हो, वो भी आप अनटच्ड हो उस यूनिट से, आपको काफी टाइम हो गया पढ़े हुए, नेट वालों की बात कर रही हूँ मैं, ये तो टाइम दो ना चीजों को, समझ रहे हो बात को। तो इस चीज को मैं बोल रही हूँ, अगर ये स्ट्रेटेजी रखोगे कि 1 महीने में आपको नेट तो आपने क्वालिफाई कर लिया था, नेट के लिए तो आपने समय दे दिया, जेआरएफ के लिए आप 1 महीना दोगे, भाई बहुत गलत स्ट्रैटेजी नहीं होगा, किसी का नहीं होता, बहुत लकी होते जिनका हो जाता है, आप ऑर्डिनरी हो, आप ऑर्डिनरी हो इसलिए तो आप यहाँ पर हो, अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते तो क्या पता आप जो मार्क जुकरबर्ग की जगह पे बैठे होते, है ना, इंशाल्लाह बैठ भी जाओ, अच्छी बात है बैठ जाओ, तो भगवान करे ऐसा हो जाए, पर वही बात है, देखो टाइम लगता है हर चीज को, पेपर 1 भी पढ़ोगे पेपर 2 भी पढ़ोगे तो टाइम दो चीजों को, प्रोसेस को फॉलो करो, ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीटेड है, एमसीक्यू लगाओ,
देखो कि जो पढ़ा है, जो प्रीवियस नॉलेज है वो कितने काम आ रही है। कोई अगर एमसीक्यू या पीवाईक्यू डिकोड नहीं रहा तो मतलब गड़बड़, उसको दोबारा पढ़ो, शुरू से पढ़ो। बिल्कुल हम क्या करते हैं, शुरू से नहीं पढ़ते। जो यूनिट हमें लगता है हमारी वीक है, हम वो पढ़ना शुरू कर देते। सबसे गलत बात, हर चीज शुरू से पढ़ो, दोबारा पढ़ो ना, दोबारा तो वही आके खड़े हो गए ना, क्योंकि पेपर दोबारा देना पड़ रहा है। तो हर चीज शुरू से पढ़ो, कोई बुराई नहीं है। कमरे में हो, खुद कौन देख रहा है तुमको कि हो पप्पा शर्मा से तो दोबारा शुरू कर दिया। नहीं, हाँ जी हाँ, इसने दोबारा शुरू कर दिया। नहीं, कोई नहीं देखने आ रहा आपको, समझ रहे हो बात को? शेम शेम, बिल्कुल जीरो है ये तो, जीरो से एग्जाम देगा। अरे ये देखो कि वो एग्जाम क्वालिफाई होगा तब जो जो शेम शेम कर रहे हैं ना वो मजे लेंगे। फिर यार हमें बताते कैसे होगा क्वालिफाई, क्या फॉलो करा तुमने, कैसे कर लिया? तू तो पढ़ाई में अच्छा भी नहीं था, कैसे एग्जाम क्रैक कर गया ये? अच्छा तू तो टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे रील बनाती थी, तेरा कैसे एग्जाम क्वालिफाई होगा? जैसे तो उम्मीद ही नहीं थी, समझ रहे हो ना? यही चेंज करना है, और किसी को दिखाने के लिए चेंज नहीं करना, खुद के लिए चेंज करना है। सोच लो आगे कितनी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, एक बार सेटल हो गए तो। लाइफ में सेटल हो गए, मस्त मजे करो। फिर फिलहाल टारगेट ये रखो कि कैसे दिसंबर वाला जो है एग्जाम हमको निकालना है। स्ट्रैटेजी आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने बता दिया है। बिल्कुल 3 R याद रखो अपने, रीड रिविजन रिपीट, MCQ लगाने हैं, PYQ लगाने हैं, पेपर 1 बहुत डेडिकेटेडली पढ़ना है। पेपर 1 की तैयारी JRF अड्डा पे हो ही रही है बड़े जोर शोर से। कोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, डिस्काउंटेड ऑफर भी है। बहुत सही बता रही हूँ मैं, इसी तरीके से करना है। बिल्कुल देखो सिंपल सी बात है, एक बार जो चीज हो जाए ना, जो मजा आता है ना फिर भाई, JRF हो गया, स्टाइपेंड मिलेगा, इज्जत मिलेगी, बॉस, खुद सेल्फ सफिशियंट हो जाओगे यार, समझ रहे हो ना? खुद खुद का, खुद की पॉकेट में पैसा है, अकाउंट में वो नहीं है कि आप पड़े हैं 2-2 हजार, 3-3 हजार, 4-4 हजार मम्मी से लेकर, नहीं, खुद के पैसे आ रहे हैं। अब तो JRF का अमाउंट भी बढ़ गया, और मोटिवेशन है JRF वालों के लिए तो, है ना? अब तो अमाउंट भी इंक्रीज हो गया तुम्हारे लिए। क्यों, JRF अड्डा पे हर चीज की अपडेट है। जो लोग पूछना चाह रहे होंगे कि मैम अमाउंट इंक्रीज हो गया कितना हुआ, तो प्लीज प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना, JRF अड्डा पे भरी पड़ी है कि अमाउंट कैसे इंक्रीज हुआ है ना। साथ ही मैं आपको एक और बात बोल दूं, RPSC के लिए जो जो लोग टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, RPSC जो है ना अपना, JRF अड्डा ने बिल्कुल जोर शोर से शुरू कर रखा है। JRF अड्डा गढ़ है राजस्थान में, बिल्कुल ये लगा लीजिए, ठीक है। तो राजस्थान की फैकल्टी कितनी उम्दा तरीके से RPSC के नोटिफिकेशन और स्ट्रैटेजीज आपके सामने लेकर आ रही होगी, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए इस प्लेटफॉर्म से पढ़ने के लिए, जो लोग RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। तो बिल्कुल बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको एक्वायर करो, इसको ग्रैब करो, और शुरू हो जाओ डंके की चोट पे जोर शोर से। दिसंबर 2023 हमारा है, बात खत्म, चिपका लो अपने जो कमरे में इसको। स्ट्रैटेजी आपके सामने है, मैं आपके लिए कोर्सेज लेकर आ रही हूँ 1 अगस्त तक। करना किसका काम है, आपका काम है, पढ़ाने वाली मैं हूँ, पढ़ने वाले आप हैं, ठीक है। साथ ही बता दूं आने वाले YouTube सेशन की अगर मैं बात करूं, तो 6 PM को रोज लेकर आ रही हूँ मैं सिलेबस डिकोड सीरीज जो है हम कर रहे हैं। बिल्कुल इस सिलेबस डिकोड सीरीज को याद रखना, ठीक है ना, ये बात याद रखना। हर शाम मैं जो है अपना 6 PM जो सिलेबस फिलहाल इस पर डिस्कस कर रही हूँ, आगे और भी क्लासेस आएंगी इस पर। हाँ पर सोच रहे हैं कि भाई सब कुछ फ्री हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, देखो है ना, मैं भी कर रही हूँ बात भी, मुझे भी अपना घर चलाना है, ठीक है। सिंपल सी चीज है कि भाई कोर्स को अवेल करो, बिल्कुल उस कोर्स में बहुत सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है, जो आप UGC NET दिसंबर अटेम्प्ट को टारगेट कर लेंगे, ठीक है। सो बिल्कुल 6 बजे हम सिलेबस की बात करते हैं, पेड ऐप पर हम कोर्स लेकर आएंगे 1 अगस्त से। तो अपॉर्चुनिटी है, सोच लीजिए, समझ लीजिए क्या करना है, कैसे करना है, मैंने आपको बता दिया है। बहुत जल्द मिलूंगी मैं अगली ही क्लास में। और अब मैं आपको बता दूं कि YouTube पर अब जो क्लास आएगी, यानी कि अब तक हमने शायद Unit 3 तक डिकोड कर लिया, मंडे को जो क्लास आएगी वो Unit 4 के बारे में आएगी, किस तरीके से क्या करना है। तो प्रीवियस अगर किसी ने क्लास नहीं लिया तो जाकर प्लीज कर लेगा अब जो क्लासेस हैं जैसे भी है। साथ ही मैं आपको बता दूं अपने क्वेरीज जो भी है आपकी वो जरूर लिखना, कमेंट जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता लग जाए कि मामला सही चल रहा है ना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, रीच बढ़ानी है इस प्लेटफॉर्म की। कहीं मैं बार बार बोलती हूँ, कहीं किसी दूर गांव में कोई लड़की या लड़का तैयारी कर रहा होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से किसी एग्जाम के, सोच रहा होगा यार सब्जेक्ट फालतू में ले लिया, इसका कोई काम नहीं है, क्यों ले लिया मैंने, तो बिल्कुल वहां तक ये बात पहुंच जाए कि नहीं भाई
जरूरी था, अच्छा हुआ ले लिया। अब मैम आई है पढ़ाकर जाएंगी, क्वालिफाई करवा कर आएंगी। ठीक है, आए थे नेट करने, करके जाएंगे JRF। बिल्कुल यही सोच रखनी है, डेडिकेटेडली पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंसी हमें रखनी है बिल्कुल बरकरार, और हमारा JRF बिल्कुल होगा दिसंबर। अब की बार करेंगे एग्जाम पार, है ना, राइम बन गया ना। तो चलिए इसी के साथ मैं इस सेशन को जो है बिल्कुल कंक्लूड करती हूँ। स्ट्रैटेजी पूरी डिसाइडेड है, सब कुछ डिकोड कर लिया है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।